नमस्ते, मैं अभिषेक और मऊ में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर अभिषेक को इश्क के मामले में गोली लग गई है। जी हाँ, मऊ जनपद के मर्दवन थाना क्षेत्र के आदमपुर छावनी गांव का मामला है, जहाँ के रहने वाले अभिषेक को इश्क के मामले में गोली लग गई है। और अभिषेक का आरोप है कि यह गोली उनके प्रेमिका के परिजनों द्वारा मारी गई है। यह पूरा मामला पूरे इश्क की कहानी की है और इसमें कई मोड़ हैं जो अभिषेक की जुबानी ही सुनाई गई है। लेकिन वर्तमान समय में अभिषेक और उनकी मां का इलाज मऊ जिला चिकित्सालय में चल रहा है, जहां पर गोली लगने से अभिषेक और उनकी मां दोनों घायल हैं। अभिषेक के अनुसार उनको कच्ची उम्र में इश्क हुआ था, उसके बाद इश्क जैसे परवान चढ़ने लगा तो उनकी प्रेमिका उनके घर आकर के रहने लगी, जिसके बाद मामला पुलिस थाना पहुंचा, जिसके बाद समझौता हुआ और समझौते के तहत अभिषेक की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद अब अभिषेक की पत्नी घर गई है और उसके बाद अभिषेक का आरोप है कि उसके परिजनों द्वारा अभिषेक के माँ और उस पर हमला किया गया है। तो क्या है पूरी कहानी इश्क और क्राइम की, पूरा आप सुनिए खुद अभिषेक की जुबान। क्या नाम है आपका? अभिषेक यार। अभिषेक जी, कैसे क्या घटना हुई ज़रा बताइए। हम सोए थे तो आपके हमारे संपत्ति पैसे बंदूक लगा दिया, तो हम जाने की मच्छर है तो ऐसे पकड़े ना, बंदूक पकड़ गई तो बाजने लगा हमसे, पट्टी पटका होने लगा। मतलब तीन चार लोग आ गए, चार लोग गए तो पकड़ कर गोली मारा। मैं चौकी के नीचे मुड़ के दिया, तब तक बाहर पलट गया। अच्छा, बाहर पलट के यहाँ पटा दी है। निकल गई है? नहीं, यहाँ पे फंसी है। अच्छा, वहाँ पे फंसी है। अच्छा, तो कितने लोग थे? चार लोग। चार लोग। अच्छा, क्या अदावत थी आपसे, क्या झगड़ा था? जैसे सर मैं बतिया रहा था एक लड़की से, वो तड़वा थी अंशु यादव, वो भाग आई, मैं भी भाग के घर से आई 2 किलोमीटर दूर तक, तो भाग गए हम दोनों। तो फिर मंदिर में शादी हो गई, तो फिर 2 महीने बाद उसकी मम्मी कहने लगी कि थाने में हाजिर करवा दो, मीडिया कम करवा कर कह रही कि थाने में हाजिर करवा दो, पैसा देखो। तो थाने में लड़की हाजिर हो गई तो घर में चल गई। तो लड़की थाने में बयान गलत किया, हम अपनी मर्जी से भागे थे और अपनी मर्जी से हम वहीं जाएंगे। जब लड़की गई घर, उसकी मम्मी कही कि जब शादी की उम्र हो जाएगी तो कर दें। उसके बाद फोन करते, वही फोन वोन नहीं कर रही थी तो हम कुछ भी नहीं कहें। तो फिर पैसा देना था तो 7,000 परीक्षा के लिए तो दिए, मोबाइल किन के लिए। फिर उसी के बाद 2-3 दिन के बाद बात नहीं हो रही थी, तो वही आकर हम कहे कि हमारा हमसे ना करेंगे तो वो बता दे लो, ना करेगा तो वो बता, समन्वय दे दलो, ना देगा तो वो बता दे लो। अच्छा, तो उसको ध्यान देने हो गया। कल घटना, उसके पहले पंचायत हुई थी? पंचायत नहीं हुई थी, जैसे फोन से कहे थे उसकी मम्मी से। अच्छा अच्छा, सामान मन दे दीजिए, देवे के तो बता दो, ना देवे के तो बता दो। हाँ हाँ, तो उसकी मम्मी कही कि हम देंगे, 4-5 साल में दें या तो 10 साल में दें, लेकिन देंगे। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर बस इतना ही, बात पर आ गए हैं वो लोग। उसका भाई है रजनीश यादव, उसका मामा है रामेश्वर यादव और एक राजीव यादव है, एक को चुन नहीं गया, एक को नहीं चीन पाया। अच्छा, अच्छा, तीनों लोगों का पहचान लिए? हाँ, पहचान लिए। अच्छा, पहले भी लोग आप पे हाथों छोड़े थे क्या? पहले लोग मारने आए थे, ठीक है। हाँ, तो लड़की भाग गई। अच्छा, कहना कि लड़की फोन करके बुलाएंगे, लड़की मान गई, आवाइए, तब लड़की भागी थी। अच्छा अच्छा, कैसे आप लोगों का अफेयर हुआ था? अफेयर जैसे मौसी में रहता था, 10-12 साल में आ रहा हूँ, तो गैरेज की दुकान पर काम सीख रहा था। तो वैसे ही सीखते सीखते बोलते बतियाते बतियाते बतियाने में। अभी आप हाई स्कूल पढ़े हैं, वो इंटर में पढ़ रही है, तो बीच में नहीं पढ़ रहे थे ना। अच्छा, तो जीत करने लगी कि पढ़ो पढ़ो तो पढ़ अच्छा लगे। अच्छा, हम काम सीख रहे थे 4-5 साल बीच में। हाँ, छोड़ दिए थे, तो जीत करने लगी पढ़ो पढ़ो तो पढ़े। अच्छा, पढ़ाई करने लगे आप। कहाँ तक आपकी पढ़ाई हो गई है इस समय? 10 के पेपर दे दिए हैं। अच्छा, इस साल 10 का परीक्षा दिए आप? इस साल दिए हैं, इसी साल? हाँ। अच्छा, लड़की? लड़की 12 के पेपर दे दी। हम भी पैसा भेजे थे 8,000। अच्छा, उनको जमा करने के लिए स्कूल में एडमिट कार्ड नहीं दे रहे थे। हाँ,
अच्छा, उसको पढ़ने के लिए उसकी माँ बाप सब कह दिए थे ना कि शादी करे के तो सब इधर खर्चा उठाए थे, सब दिया था लोग। अच्छा, ले कपड़ा उपड़ा जीवन चाहते सब दिया था, कापी किताब रिचार्ज मोबाइल सब दिया था। अब क्या अभी भी आप उसके साथ रहेंगे? अब उसकी मर्जी, उसकी मर्जी जो करेगी करेगी। क्या वो नहीं चाहती क्या आपके साथ रहना है? अब क्या पता उसकी मर्जी। क्या गोली चलवाने में उसका भी हाथ है क्या? अब ये तो क्लियर नहीं कर सकता, उसका भाई आया था भाई और उसका मामा थे और एक राजू था, तीनों लोग कंटीन में उसके उसका भाई था एक मामा था उनका एक राजू नाम था। क्या पुस्तक है क्या कि आपको गोली मरवाने में उसका भी है वो है हाथ है योजना है? ये बात तो हम क्लियर नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों आपको डाउट तो लग रहा है, आपकी बात से तो ये लग रहा है कि आप खुद भी असमंजस में हैं। नहीं, असमंजन में नहीं। आपका प्यार इतना कमजोर कैसे पड़ गया है? आप उस पर शक करने लगे? शक नहीं करने लगे। उसकी माँ कहने लगी कि हम अपनी लड़की को मन करिए, हमारी लड़की को ही तो कर ना कही तो ना कर। अब लड़की क्या कह रही है? लड़की पहले करो कहीं ना करो, एक बार कहीं करो एक बार कहीं ना करो। अच्छा, ये भी बात आ गई। नहीं, ऐसा तो नहीं ना कि पढ़ाई लिखाई आप लोगों के बीच में आड़े आ रही हो? ना, नहीं, आप हाई स्कूल में वो इंटर में नहीं, ये कुल बात नहीं है। फिर क्यों आगे पीछे वो कर रही है? अब उसकी मर्जी जो कर रही है। आपका प्यार कमजोर पड़ गया है क्या? अब क्या पता। कब से आप उसको जानते थे, कितने साल से? 6 साल। 6 साल आके आपके साथ रही भी है आपके घर? 2 महीने। 2 महीने रही है। अच्छा, उस दरमियान क्या कहा था उसने? उधर में कहा था कि हमला जो घर मारे को न लो तो बोले हम मारे खाती तो इसे भागे। तो कुल मिला के अब उस लड़की को आप साथ में रखना चाहते हैं? उसकी मर्जी। उसकी मर्जी। अच्छा, उसकी मर्जी। रहना चाहिए तो मतलब हाँ, इतना होने के बावजूद भी छठ के समय लड़की भाग गई घर से, लड़का के कम करे लगी थी हमके लिए भाग चल रहा। जब लड़की भाग गई तो लड़की का माई पुलिस केस कह रही थी, लड़की की उम्र कम है, पुलिस लोग जैसे कि हमारे पर दबाव डाल रहे कि लड़की को थाने पर हाजिर करो, लड़की का माँ शादी करने के लिए बोलती है तो हम हाजिर कर देंगे। लड़की भी कही कि हम कह रहे कि शादी हुई तो हम अपने सहमति से कहें, लड़का लेकर नहीं भाग आएंगे। तो अब ले जाके ले गले के बाद ये लोग आओ खेला हुआ मन के समय से। कितना बजे घटना है? 12 बजे का। गोली चलने का नौबत कैसे आ गई? गोली चलने का नौबत भैया वो लोग ये सोच रहे कि इनके मार के हम दूसरा जगह फेंक कर के के हमारे लड़का को। मैंने आप लोग शादी करना चाहती हैं उस लड़की से? हाँ, हम अंदर तो हाँ रहा लगे। अच्छा, हाँ, लेकिन उनके घर वाला राजी ना होते। क्या कारण था कि घर वाले नहीं राजी हो रहा है? क्या कि गरीब लोग हैं। अच्छा, आप लोग एक ही जात के हैं? हाँ, एक ही हम, एक ही ब्रादर है, यादव बिरादरी। यादव बिरादरी। हाँ। गांव के हैं या बगल नहीं, के? नहीं, ये सिपा के बगल के टनवा के हैं। अच्छा, हम गरम आदम कुछ समझी है या फिर मतलब कि दो जगह हम लोग को आए। हाँ। एक जगह गोपागंज में है। हाँ। दूरी तो है ना वो लोग की। इसको लेके पंचायत भी हुई थी क्या? नहीं, पंचायत नहीं। तो इसके पहले जब ये लेके भागे थे क्या उसको? लड़की भाग के खुद हमारे घर पे आई थी। अच्छा, लड़की आपके घर आ गई थी। लड़की भाग के आई थी। तो आप लोगों ने उसको समझाया नहीं था कि नहीं जाओ? समझावल गए तो कहे ना कि हम उससे शादी कर लो, हमारे हम के जान मारे की बुला दिया गया, हमारे मम्मी हमारे मामा मामा के गाँव से तो हम घर से निकल गए। कितना लड़की कितना पढ़ी लिखी है? 12 का प्रिपरेशन। एग्जाम दे रही है 12 का? और आपका लड़का? 10 का। तो किस तरह से इन लोगों की मुलाकात हो गई थी? वो जैसे हमारे दीदी के घर था। हाँ। वो जरा के गैरेज सिपा में गैरेज का काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपका लड़का? हमारा लड़का अभिषेक नाम है। हाँ। और तब वही गांव की है। हाँ। दीदी गांव की। हाँ। वो ना हो गई। अच्छा, कितने लोग आए थे? 4 लोग मारने के लिए ना। हाँ हाँ। अच्छा, कितने क्या कह के आए, कैसे आए? क्या कहे कि कुछ बोले नहीं है, पहले आए 2 आदमी। हाँ। 2 आदमी आए तो कहे कि चाची एक डब्बा दो। हाँ। हम जाएंगे लैट्रिन करे, हम चले तालाब में पानी, बस ताले में पानी ना।
अम्मा हमारे डब्बा देवी वो पानी ले जाके या गिरा देवे लोग आ गिरा के खाली अंजा देवे लोग की कहाँ के सुतब कहाँ के सुतब ओकरी बाद बाइक रुकल लगे कुछ दूर पर हम ताकत है तो बाइक उधर जाके जब बैठे लोग तो बाइक पीछे के पति लान के बोलो तो हम कहते हैं माई का गाड़ी वाला रहो ना तू आई 11 बजे गए लोग कितना बजे 11 बजे रात के हाँ अब 12 बजे घटना घटा देवे लोग अच्छा उस समय आके मतलब इसे पहचान लिए थे क्या इसको ये लड़कवा जो वहाँ रहत रहना सब पहुँचल नहीं रहा मौसेना में रहत रहना तो सब पहुँचल नहीं रहा तो गोली आपको कैसे लगी उनको कैसे लगी ऐसा है कि लड़का से सुतल जी जिसे बेर बना जी एक बार हम सुतल एक बार लड़का सुतल तो हमारा माँ सुतल जी जी जब हुए हुए ना लड़का के जैसे कि हे तरफ कर दो सर लड़का हमारे जो एक मच्छर बैठा था बस एक बैग अखिया फूल बस हे तरफ पकड़ लेंगे जब देखूंगे ना तो हे तरफ पकड़ लेंगे मच्छर रानी बस चौकी पर से बजा तो बजट में गिर गए गिर गए हमारे लड़का तो बोलत हम कि अरे मम्मी तो जब हम दरिए से उठी के अपन लड़का कैसे पकड़ लगे देखी चार लोग हमारे जीव हदस गए तो ना हमारे अम्मा चिल्लाती तो अम्मा का एक थोड़ा मुँह मुँह लगता छोड़ के आप तो लोग अपन भजन का भजन पटी का पटका भगवे जब खुश हुए कि आदमी जुट गए हल्लो हतर में आदमी जुट गए बस ये पीछे घुस के आप इतनी दूरी पर अब तब बोले मर गए अच्छा लड़ी का पेट चौकी के नीचे मुड़ी है इसी कर लेंगे हमके तो ये यही तरफ करेंगे तो यही पर मरले ये पर मरले तो ये गलत से बोल कर निकल गए कि मैं अपन दूंगा से बोलो अच्छा चार लोग रहना चार लोग चारों लोग भाग के चले गए निकल ले मौके पुलिस पहुंची थी हाँ मौके पुलिस कितना देर बाद पहुंची पुलिस पुलिस पहुंची अरे 12:30 बजे अच्छा सूचना मिलते पहुंच गई हाँ सूचना मिलते पहुंच गई एम्बुलेंस गए पुलिस गए ठीक ठीक पूरा जनता को कर लेंगे